पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड क्वेश्चन करने वाले। ओके, सो नंबर ऑफ आइलैंड आपने ऑलरेडी कर रखा होगा लेवल वन में। ओके, सो आइलैंड बेसिकली डिफाइन कैसे होता है, एक बाइनरी मैट्रिक्स में, जीरो मैट्रिक्स में जितने भी कनेक्टेड वंस होते हैं वो सभी आइलैंड होते हैं। ओके, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई डिस्टिंक्ट आइलैंड सिर्फ फाइंड आउट कर लो। ओके, अब डिस्टिंक्ट डिफाइन कैसे कर रखा है, सो स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट को डिस्टिंक्ट बोल रखा है इन्होंने। जैसे इसे और इसे देखोगे तो ये दोनों डिफरेंट है, क्यों, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है ये दोनों। ओके, अच्छा ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम है, स्ट्रक्चर वाइज सेम है। अच्छा स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होगा, स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, आप अपने आइलैंड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर को पिक कर लो एंड उसके रेस्पेक्ट में सभी वंस को देख लो, रिमेनिंग वंस को देख लो उस आइलैंड के, क्या वो दोनों सभी रिलेटिवली सेम पोजीशन पे। जैसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर को पिक करा, इसके राइट में एक है, इसके राइट में एक है, इसके डाउन में एक है, इसके डाउन में एक है, तो हाँ जी ये दोनों स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है। ऑलराइट, सो हमें जैसे अगर इस गिवन मैट्रिक्स के लिए आंसर अगर बोलोगे तो मुझे टू रिटर्न करने को बोल रखा है, एक ये इसके नाम का, इन दोनों के कंबाइंड नेम पे वन, और एक ये, दो डिफरेंट आइलैंड है सिर्फ। ऑनलाइन सो हम कैसे डिस्टिंक्ट आइलैंड को सेव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हैशिंग जैसी करनी होगी चीजें, भाई एक स्ट्रक्चर आइलैंड का ऑलरेडी आ रखा है, दोबारा अगर आ रहा है देन उसकी काउंटिंग ना हो, कुछ ऐसे ही तो करने वाले हैं, ये हैशिंग के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा भाई, जैसे नंबर ऑफ आइलैंड के लिए मेन से DFS कॉल करता था एंड एक गिवन आइलैंड के सभी बंदों को विजिट मार्क कर देता था, जीरो कर देता था, वही काम करने वाला हूँ, बस उसके साथ साथ इस बार मैं एक स्ट्रिंग बनाता हुआ चलूंगा कि भाई इस स्ट्रक्चर जिसे हम विजिट कर रहे हैं, जिस आइलैंड को हम विजिट कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दो यार। ओके, सो जैसे मुझे ट्रैवल करना मैंने स्टार्ट करा, मुझे ये वन मिला, तो मैं एक स्ट्रिंग में लेट से कुछ भी, कोई सा भी नंबर, लेट से एक्स के साथ ये वन कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पे आती मैं इसे जीरो मार्क करूंगा, फिर इसके अराउंड देखूंगा चारों डायरेक्शन में, लेट से इस डायरेक्शन में कॉल लगा रखा है, सबसे पहले अप देन क्लॉकवाइज, सो ऊपर इनवैलिड, राइट वैलिड है, तो राइट में जाऊंगा, बट राइट जाने से पहले मैं यहाँ राइट ऐड कर दूंगा, राइट गया, फिर यहाँ मार्क करा इसे जीरो, फिर इसके चारों डायरेक्शन में देखा सभी विजिटेड है, सभी जगह जीरो है, सभी विजिटेड है, इधर आउट ऑफ बॉक्स है और जीरो है तो विजिटेड है, आप यहाँ से कर जाओगे बैक ट्रैक, फिर आप इसके सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऊपर इनवैलिड, राइट चली जाकर आ चुके हो, नीचे की तरफ कॉल लगाओगे, तो यहाँ जीरो कर दिया आपने, सो जीरो करा, जहाँ आप कॉल लगा रहे हो, कॉल लगाने से पहले डी ऐड करोगे, फिर वहाँ जाओगे, वहाँ जाकर फिर उसे विजिटेड मार्क करोगे, फिर उसके अराउंड आपने देखा एक भी विजिटेड बंदा नहीं है, अनविजिटेड बंदा नहीं है, सभी विजिटेड है, बैक ट्रैक, और यहाँ से बैक ट्रैक खत्म। मेन में जाकर आपने एक हैश सेट रख रखा होगा, उस हैश सेट में पता आप क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे कि भाई एक आइलैंड मुझे मिल गया जिसका स्ट्रक्चर एक्स आर और डी है, एक्स स्टार्टिंग पॉइंट से राइट लो और फिर डाउन लो, ये स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वन ढूंढोगे आप, क्योंकि आप इस ऑर्डर में ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक आइलैंड के हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहले जाओगे। ओके, सो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग को फिल कर रहे हो, फिर से यहाँ वन मिला, यहाँ वन मिला, तो स्ट्रिंग को फिर से अंडू करोगे एक्स के साथ, लाइक एक्स के साथ स्टार्ट करोगे एंड फिर नए स्ट्रिंग को यहाँ पास करोगे। अच्छा ये स्ट्रिंग ग्लोबल है, ओके, फंक्शन में पास करोगे तो चीजें अंडू होने लग जाएगी, एक बार मैं आई ऐड कर देता हूँ और बैक ट्रैक करता हूँ जिनको गुम नहीं होता, सो ये ग्लोबल स्ट्रिंग मैंने बना रखा है, राइट, सो इसे जीरो मार्क करा, एक्स के साथ कॉल कर ली, फिर इसके राइट में आप जाओगे, राइट में जाने से पहले आर ऐड करोगे देन राइट में जाओगे, ओके, फिर यहाँ जाकर इसे विजिटेड मार्क करोगे, इसके राउंड कोई भी अनविजिटेड बंदा नहीं है, सो बैक ट्रैक, फिर नीचे वाली कॉल लगेगी, टी लगाया, नीचे की तरफ चले गए, जहाँ पे इसे जीरो मार्क करा, इसके राउंड कोई भी विजिटेड बंदा नहीं है, बैक ट्रैक करा, फिर यहाँ से भी बैक ट्रैक करा, तो आपके पास एक्स आर डी, अब ये हैश सेट है, इसमें आप फिर से एक्स आर डी ऐड करोगे, ऑलरेडी एडेड है, डुप्लीकेट चीजें हैश सेट में ऐड नहीं होती, तो बेसिकली कुछ भी ऐड नहीं होगा, एक्स आर डी रह जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रैवल करने लग गए, एक और वन मिला, तो इसके नाम का आप एक्स ऐड करोगे स्ट्रिंग में एंड इसके लिए कॉल कर दोगे, यहाँ जाती आप जीरो मार्क करोगे, इसके राउंड कोई भी अनविजिटेड बंदा नहीं है, सो यहाँ से बैक ट्रैक कर जाओगे और इस वाले स्ट्रिंग को ऐड कर दोगे एक्स को, ऑलराइट, एक्स को आपने ऐड कर दिया, अब और वन है नहीं, सेट के साइज आंसर है, सेट साइज आंसर आपका, राइट, ओके, सो बहुत ही लॉजिकल सही लगता है, राइट, बट ये स्लाइटली गलत है यार, स्लाइटली गलत है,
स्लाइटली गलत किस सेंस में यार, हैशिंग हमने अच्छे से नहीं करी, हमने हैशिंग अच्छे से नहीं करी यार, हैशिंग हमें अच्छे से करने की जरूरत है। हैशिंग और इम्प्रूव क्यों करने की जरूरत है पहले तुम ये जानते हैं, फिर कैसे इम्प्रूव करेंगे ये देखेंगे। ओके सो इस केस के लिए देखना, कौन से केस के लिए, सिंपल इस केस के लिए। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो एक्चुअल आपके आंसर में 3 काउंट चाहिए आपको, क्यों? इनका स्ट्रक्चर, इस वाले आइलैंड का स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है यार, दोनों सेम नहीं है, नहीं? सो क्योंकि रेस्पेक्ट देख लो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसके राइट में, इसके राइट में, फिर इसके राइट के डाउन में, और इसका दूसरा बंदा सिर्फ डाउन में, तो ऑफकोर्स दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, राइट? दोनों अलग अलग है स्ट्रक्चर वाइज, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत होगी, राइट? अच्छा कुछ अलग से क्यों करने की जरूरत होगी, हम डायरेक्टली वही क्यों नहीं कर सकते? देखो देखो देखो, सबसे पहले मुझे वन मिला, राइट? तो मैंने स्ट्रिंग में एस एक्स ऐड करा एंड इसके लिए कॉल कर दिया, यहाँ आती मैंने जीरो मार्क करा, फिर इसके लिए मैंने देखा राइट, जी राइट जा सकते हो, तो मैंने राइट ऐड करा और राइट की तरफ जंप कर गया, फिर यहाँ पहुँच कर मैंने जीरो मार्क करा, फिर मैंने देखा ऊपर नहीं जा सकता, राइट नहीं जा सकता, डाउन, हाँ डाउन जा सकता हूँ, सो डाउन ऐड करा एंड नीचे की तरफ चला गया, यहाँ जीरो मार्क करा पहुँच कर, मैंने कहा सारे अनविजिटेड है, सारे विजिटेड है, नॉट अनविजिटेड, सारे विजिटेड है, और कहीं भी मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ से मैं बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ से भी और कहीं नहीं जा सकता, यहाँ से भी बैक ट्रैक करूंगा, यहाँ से भी कहीं नहीं जा सकता, सो बैक ट्रैक करूंगा, वहाँ पे जाकर हैशसेट में, मेन फंक्शन में जाकर हैशसेट में मैंने XRD ऐड कर दिया कि भाई एक आइलैंड मिल गया, जिससे अगर स्ट्रिंग के टर्म में मुझे एक्सप्रेस करने को बोला जाएगा तो XRD के टर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा, स्टार्ट करो राइट जाओ डाउन जाओ, दिया फिर ट्रैवल करा नेक्स्ट आइलैंड, ये मिला मुझे, तो इससे स्टार्ट फिर से मैंने एक्स के साथ करा, भाई स्ट्रिंग बिल्डर एक्स के साथ स्टार्ट होगा, और यहाँ पहुंचा, यहाँ जाती मैंने जीरो मार्क करा, फिर मैंने देखा राइट जा सकता हूँ, ऊपर नहीं जा सकता, राइट जा सकता हूँ, हाँ जी राइट ऐड करा और राइट की तरफ चला गया, फिर वहां पहुंच कर इसे जीरो मार्क करा, मैंने देखा सारे विजिटेड अराउंड के, तो यहाँ से आप करोगे बैक ट्रैक, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि भाई अभी तो डाउन की कॉल रह गई है, तो आप डाउन ऐड करोगे और यहाँ चले जाओगे, फिर से इसे आपने जीरो मार्क करा, और यहाँ से आप करोगे क्योंकि यहाँ से कहीं नहीं जा सकते बैक ट्रैक, यहाँ से और कहीं नहीं जा सकते बैक ट्रैक, ये देखो दोनों की हैशिंग सेम आ गई यार, XRD XRD, बट दोनों स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, राइट? हुआ क्यों ऐसा यार, जब हम बैक ट्रैक करते हैं उसे हम रिफ्लेक्ट नहीं करवा रहे होते यार, जैसे यहाँ पे मैं राइट गया और वहीं से डाउन चला गया XRD, अब यहाँ से मैं राइट गया, यहाँ से मैं फिर बैक ट्रैक करके डाउन की तरफ गया, बट बैक ट्रैक को तो मैंने रिफ्लेक्ट ही नहीं करवाया, बैक ट्रैक करा और फिर डाउन गया, उसने भी XRD दे दिया मुझे, तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को ये सेम बता रहा है, हैशिंग स्लाइटली गलत है, राइट? क्योंकि हैशिंग स्लाइटली गलत है, इसे इम्प्रूव करना होगा, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बैक ट्रैक को रिफ्लेक्ट करवा दो, क्या करो बैक ट्रैक करने वाले को, फंडे को रिफ्लेक्ट करवा दो, देखो मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा क्या करूंगा, ये देखो मैंने कॉल करा वन पे, वन मिला मुझे, वन पे कॉल करा एक्स ऐड करते हुए, जाती हूँ वहाँ मैंने जीरो मार्क करा, उसके नेबर को देखा कोई, क्या कोई अनविजिटेड नेबर है, मुझे एक मिल गया, मैंने बोला क्या राइट में एक अनविजिटेड नेबर है, राइट ऐड करो एंड उसकी कॉल लगा दो, लगा दी वहाँ जाकर, उसे मैंने विजिटेड मार्क करा, उसके अराउंड हाँ एक अनविजिटेड नेबर है, डाउन की तरफ है, सो डाउन ऐड करो और नीचे की तरफ चले जाओ, फिर वहाँ जाकर मैंने उसे विजिटेड मार्क करा, मैंने देखा सारे सारे विजिटेड है, यहाँ पे भी सारे अराउंड विजिटेड है, यहाँ पे भी सारे बंदों का काम हो गया। अच्छा अच्छा बैक ट्रैक करते टाइम, अब बैक ट्रैक करते टाइम जब मैं यहाँ से बैक ट्रैक कर रहा था, तो बैक ट्रैक मैं सिंपली नहीं करूंगा, बैक ट्रैक को मैं एक कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट करवा दूंगा, एक बैक ट्रैक करा जेड, एक और बैक ट्रैक करा तो एक और जेड, लाइक इस फंक्शन को जब मैं खत्म कर रहा था, सारी कॉलम मैंने चेक कर ली, तो मैं जेड ऐड करूंगा एंड बैक ट्रैक कर जाऊंगा, फिर इसे खत्म कर रहा हूँ जेड ऐड करूंगा बैक ट्रैक, फिर इस फंक्शन को खत्म कर रहा हूँ तो जेड ऐड करूंगा एंड बैक ट्रैक, तो अब आपकी हैश स्ट्रिंग पता क्या हो जाएगी, बेसिकली विदाउट बैक ट्रैकिंग को रिफ्लेक्ट करवाते हुए जो लेंथ बन रही थी उसकी ट्वाइस लेंथ, सभी फंक्शन से आप कॉल कर रहे हो और आगे लाइक वहां पे अगर आ चुके हो तो आप कॉल करके आ रहे हो कि उसके नाम की चीजें ऐड हो रखी है और एक उसके नाम की बैक ट्रैकिंग ऐड हो रखी है, जैसे राइट की तरफ आप गए तो राइट के नाम के जेड को ऐड करा, फिर डाउन की तरफ गए तो डाउन के नाम के जेड को ऐड करा, किसी फंक्शन पे आप जाते हो जाने के नाम पे उस डायरेक्शन को ऐड कर रहे होते हो एंड बैक ट्रैक करने पे एक जेड ऐड कर रहे होते हो, एक्स के नाम पे इस जेड को ऐड कर रखा है, ओके सो जितने फंक्शन पे आप गए हो सभी के नाम का एक एक जेड ऐड कर दिया, बैक ट्रैक रिफ्लेक्ट करवा दिया, जब बैक ट्रैक करते हो तो आप ऐड कर देते हो उसे, ओके अब देखना ये कैसे हेल्पफुल है, लास्ट टाइम इन दोनों स्ट्रक्चर के डिफरेंट होते हुए भी हैशिंग सेम आ रही थी, अब देखना फिर से मुझे यहाँ पे मिला
तो मैंने एक्स के साथ कॉल कर दिया इसे, वहां जाते ही इसे जीरो मार्क करा, मैंने कहा इसके राउंड, हाँ जी एक अनविजिटेड बंदा है, वहां गया कौन से डायरेक्शन में, राइट, तो पहले राइट ऐड करूंगा एंड फिर राइट की तरफ जाऊंगा, वहां जाकर मैंने जीरो मार्क करा, मैंने कहा सारे विजिटेड है इसके राउंड के, तो यहाँ से मैं करूंगा बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करने से पहले मैं जेड ऐड करूंगा देन बैक ट्रैक करूंगा, इसकी एक और कॉल है नीचे की तरफ, सो डाउन ऐड करो नीचे की तरफ चले जाओ, जाते ही जीरो मार्क करो, सारी विजिटेड है यहाँ से बैक ट्रैक करने वाले, तो जेड ऐड करो एंड देन बैक ट्रैक करो, इसकी सारी कॉल लग चुकी है, सो जेड ऐड करो फिर बैक ट्रैक करो। सो अब सॉल्व हैशिंग ही कर रहे हैं, बट ये बेटर हैशिंग है प्रीवियस वाले से, अब देखो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिर दिखा दिया वो जो हम बैक ट्रैक करने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं करवा पाते थे, बैक ट्रैक करने के बाद डाउन जाने पे भी फंडा सेम आ जाता था, वो इसने संभाल लिया भाई। अब राइट के बाद आपने एक बार बैक ट्रैक करा फिर डाउन की तरफ गया, यहाँ राइट से डायरेक्टली डाउन की तरफ चले गए, बैक ट्रैक आपने नहीं कर रखा राइट, सो ये हैशिंग आपकी परफेक्टली फाइन है, ये आपको करना है राइट। सो सिंपल डीएफएस है, सिंपल डीएफएस है विथ हैशिंग, ओके सो लेट्स सी इसे हम कोड कैसे कर सकते हैं। ये देखो सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स होने चाहिए, तो जितने भी वन मिलेंगे उन सभी से हम कॉल करने वाले हैं, ये रहा आई स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ प्लस प्लस, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ऑलराइट सी मैंने कर दिया। अब यहां से मैं डीएफएस कॉल करूंगा, अगर एरे ऑफ आई जे वन है आप यहाँ से DFS कॉल करने वाले हो, DFS कॉल कैसे करने वाले हो, एक आपने ग्लोबल ये रहा पाथ सो फार बना रखा है मैंने, स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग क्यों नहीं है यार, स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड करना ओ वन होता है, स्ट्रिंग में ऐड करना ओ ऑफ एन राइट, दैट्स इट। तो सबसे पहले हैश सेट तो बना लो जिसमें आप ऐड करोगे, हैश सेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद में हैश सेट में ऐड करूँगा, ओके सेट इक्वल टू न्यू आपने कुछ ऐड करा होगा, सो न्यू कर दो और इस पाथ सो फार में अपेंड कर दो, किसे अपेंड कर देना एक्स को, क्यों आप यहाँ से कॉल करने वाले हो और फिर डीएफएस कॉल कर दो, डीएफएस कॉल कर दो, डीएफएस किसके लिए कॉल कर दो, आप एरे पास कर दो और जिस आई कॉमा जैसे आप कॉल कर दो public static void dfs, इसमें के पास array आ रखा है, int row आ रखा है, int column आ रखा है right, dfs को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, ऑलराइट अब यहाँ से हम कॉल करने वाले हैं, कॉल करने वाले तो प्रोएक्टिव कॉल करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में हम ऐड करते हुए जाते हैं कि भाई राइट की तरफ जा रहे हो, भाई डाउन की तरफ जा रहे हो राइट। सो ये देखो ऊपर की तरफ सबसे पहले चेक करूंगा और वहां से क्लॉक वाइज, सो ऊपर की तरफ अगर आपको जाना है तो आप चेक करो कि भाई आपका जो रो नंबर है उसका माइनस वन क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड एंड आपके जहां पे आप जा रहे हो रो माइनस वन और कॉल वो वन है, पहले तो रेंज में चाहिए आपको रो कॉमा कॉल वो आपके रेंज में, अब जहाँ जाना चाहते हो क्या वो मैट्रिक्स के रेंज में, अगर मैट्रिक्स के रेंज में क्या वहाँ पे वन है, अगर वहाँ पे वन है तो आप क्या करोगे ऊपर की तरफ जा रहे हो तो स्ट्रिंग बिल्डर जो आपने बना रखा है क्या नाम था उसका पाथ सो फार गायब किया कर दिया मैंने उसे, सो पाथ सो फार सो नॉट एस पी पाथ सो फार में अपेंड करो पहले क्या ऊपर की तरफ क्योंकि आप जा रहे हो, सो यू लेफ्ट से अपेंड कर दिया मैंने, और अब डीएफएस कॉल कर दो, डीएफएस कॉल कर दो किसके लिए एरे एज इट इज रो माइनस वन एंड देन अगेन अब राइट की तरफ ऊपर किससे एंड क्लॉक वाइज राइट की तरफ, सो आपके पास राइट की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो रो एज इट इज है, रो के लिए कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉलम आपका प्लस वन होगा, क्या कॉलम प्लस वन आपका स्मॉलर देन है, किससे स्मॉलर देन है एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ से, एंड देन आपके एरे के जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे वन है कॉलम प्लस वन पे वन है, अगर ऐसा है तो आप राइट की तरफ जा सकते हो,
तो उसका कॉल लगा दूंगा, कॉल कर दूंगा मैं, सो 500 फाइल में अपेंड करोगे राइट, एंड यहाँ पे रो कॉमा राइट। सिमिलरली अब डाउन की तरफ, डाउन की तरफ जा रहे हो देन रो प्लस वन, इसे कॉपी पेस्ट कर दो, सो ये रहा रो प्लस वन स्मॉलर देन एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ, एंड देन एरे ऑफ जहाँ आप जा रहे हो उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो आप डाउन जा रहे हो डाउन चले जाओ और कॉल पसंद की जहाँ आप जा रहे हो जाओगे। फिर अगर आपके पास अब लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट इज कॉलम माइनस वन, सो आपका कॉलम माइनस वन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड देन जहाँ आप जा रहे हो वो एंड कॉलम माइनस वन अगर ये वन है तो 500 फाइल में अपेंड कर दो, किसे लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट अपेंड कर दिया मैंने, एंड डी एफ एस कॉल कर दिया किसके लिए एरे एज इट इज रो एज इट इज। और यहाँ पे अब बैक ट्रैक करने से पहले हमें एक जेड ऐड करते थे राइट, तो जब चारों ही कॉले लग जाएंगे तो आप यहाँ से जस्ट पीछे वाले फंक्शन पे जाने वाले हो तो अपेंड कर दो एक सेट को, तो आपने अपेंड कर दिया, और जहाँ पे जब आप आओगे वहाँ आओगे आप कॉल लगा कर जब आप वापस आओगे तो आपको कुछ नहीं करना, सेट में ऐड कर देना है सेट डॉट ऐड क्या ऐड कर देना है, तो आपने 500 फाइल बनाया है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए भाई एज स्ट्रिंग मंगवा ली स्ट्रिंग में लगने वाली है, तो अब उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और सेट में ऐड कर दो ओके। सो अब जब आप सभी बंदों के लिए ऐसा कर दोगे तो आपके पास जो सेट साइज है वही आंसर है, जितने भी डिस्टिंक्ट हैशिंग है वही आपका आंसर है राइट। सो फिर से देखना क्या अगर आप जितने भी वन मिलते हैं वहाँ से मैं डी एफ एस कॉल कर देता हूँ नंबर ऑफ आइलैंड में, जैसा आपको अच्छा नंबर ऑफ आइलैंड का कोड और नंबर ऑफ आइलैंड की नॉलेज होनी बिल्कुल ही कंपलसरी है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड करने से पहले वाला राइट, लेवल वन में अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना। सो मैंने यहाँ से कॉल कर दिया सिंपली सभी वन, जैसे ही वन मिलता है 500 फार को न्यू करता हूँ उसमें एक एक्स अपेंड करता हूँ स्टार्टिंग वाले इंडेक्स के लिए, एंड डी एफ एस कॉल वहाँ जाकर चार पॉसिबिलिटीज उसे चेक करा, तो भाई तू वैलिड है क्या हाँ तो चला जा, तू वैलिड है क्या हाँ तो चला जा, अच्छा विजिटेड मार्क नहीं कराया किसी को, ये गलती हो गई, एक गिवन इंडेक्स पे आप आते हो तो सबसे पहले उसे विजिटेड मार्क करो एंड कॉल उससे जीरो कर दो कि भाई यहाँ दोबारा नहीं आना, यहाँ पे आ चुके इसके नाम की चीज़ें ऐड हो रखी है आपके स्ट्रिंग में यहाँ दोबारा मत आना ओके, तो विजिटर मार्क कर दिया, एंड फिर चार पॉसिबिलिटी वो माइनस वन अप बेसिकली, फिर कॉलम प्लस वन दैट इज राइट, देन रो प्लस वन दैट इज डाउन, एंड कॉलम माइनस वन दैट इज लेफ्ट ओके, और फिर एक बैक ट्रैक करने के नाम का सेट मैंने आपको बता दिया था कि बैक ट्रैक में ये हैशिंग क्यों कंपलसरी है राइट। फिर यहाँ पे आओके सेट की जो साइज है वो आप रिटर्न करते हो, क्यों जितने भी डिस्टिंक्ट हैश्ड स्ट्रिंग है उतने ही डिस्टिंक्ट आइलैंड होंगे, सभी आइलैंड के नाम की हैश भी देखकर सबकी है, और ये इक्वल टू एरे 2D है मैंने मतलब पास का 2D एरे राइट ऑलराइट, सो ये एक्सेप्ट हो गया प्लीज। सो सबमिट करते हैं सर, सो सबमिट भी हो गया ऑलराइट, सो ये था आपका कोड नंबर ऑफ टेस्टिंग टाइम, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।